पाकिस्तान की माशी हालत इंतहाई ख़राब है डिफ़ाल्ट का ख़तरा सर पर मंडला रहा है अगले कर्ज़े अदा करने के लिए नए कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं ऐसी ख़राब मुशी सूरत हाल के पेश नज़र मुसल्ह फौज के बजट में पेट्रोलियम मसनवा और यूटिलिटी बिल्स की मद में कमी करने का फ़ैसला कर लिया गया है फ़ौज के अखराज में पैंतीस फीसद यूटिलिटी बिल्स में पैंतीस से चालीस फ़ीसद तक कमी लाने का फ़ैसला किया गया राशन और खाने पीने की अशिया के अहराजात में कमी से 20 अरब रुपए से ज़ायद की बचत होगी एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल का कहना है कि फ़ौज में हर किस्म की नॉन ऑपरेशनल खरीदारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है दिफाई और हरबी सामान की इंपोर्ट लोकल करेंसी या करेंसी स्वैप के जरिए होगी यानी किसी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क की करेंसी में यह लेन देन होगा जिसे करेंसी स्वैप कहा जाता है जबकि ट्रेनिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन मीटिंग्स बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है ताकि फिज़िकली जाने आने में जो फ्यूल और पेट्रोल वगैरह का हर्ज होता है अहराजात होते हैं उन पर कमी की जा सके और ऑनलाइन मीटिंग के ज़रिए फ्यूल कास्ट में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में कमी लाई जा सके मुल्क मीशत में बेहतरी के लिए हर किस्म के हर अराजात में कमी फौरी तौर पर नाफ़जमल है काफ़ी दिनों से ये बात खबरों में आ रही थी पता चल रहा था कि पाकिस्तान के दिफाई बजट में मुख्तफ कैटेगरीज़ के, के हवाले से कमी का फ़ैसला हो रहा है लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि कौन कौन सी मद में दिफाई बजट में कमी की जाएगी आज ये तफसी भी मीडिया में सामने आ चुकी हैं